यूनिट बोलिए या केडब्ल्यूएच बोलिए, दोनों बराबर होता है। किस तो उपकरण को कितना देर चलाएंगे कि हमारा मीटर एक यूनिट काउंट करेगा, इसी यूनिट को मीटर में केडब्ल्यूएच से निर्देशित किया जाता है, ठीक है। 1000 वाट का कोई भी उपकरण एक घंटा यदि हम लोग चलाते हैं तो हमारा मीटर एक यूनिट काउंट कर लेगा। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट के बारे में। हम अपने घरों में जो भी उपकरण इस्तेमाल करते हैं उसका जो लोड है मीटर में हमारा यूनिट के रूप में काउंट होता है, केडब्ल्यूएच के रूप में दर्शाया हुआ रहता है। यूनिट बोलिए या केडब्ल्यूएच बोलिए, दोनों बराबर होता है। तो हमारे घर का कोई भी उपकरण कितना देर चलाने पर कितना यूनिट चार्ज कर रहा है ये हम जानने का इस वीडियो में प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ हमने टॉपिक दिया हुआ है एक यूनिट बिजली, यानी कि किस उपकरण को कितना देर चलाएंगे कि हमारा मीटर एक यूनिट काउंट करेगा। तो इसको समझने के लिए दो पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए, ये दो पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। एक यूनिट इक्वल टू एक केडब्ल्यूएच यानी किलोवाट प्रति घंटा, इसी यूनिट को मीटर में केडब्ल्यूएच से निर्देशित किया जाता है, ठीक है। और एक चीज क्लियर होना चाहिए कि एक किलोवाट में 1000 वाट होता है, तो 1 किलोवाट कह लीजिए या 1000 वाट कह लीजिए, ये दो चीज हमारा क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग पॉइंट में आते हैं कि एक यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना है। तो एक यूनिट का निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है वाट गुने समय बटे 1000। मान लीजिए कि 1000 वाट का, 1 किलोवाट का यानी 1000 वाट का कोई उपकरण है, अगर उसको हम 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो वो जो रीडिंग काउंट करेगा एक यूनिट हमारा मीटर काउंट कर जाएगा। 1000 वाट का कोई भी उपकरण 1 घंटा यदि हम लोग चलाते हैं तो हमारा मीटर एक यूनिट काउंट कर लेगा। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं, हमने 3 उदाहरण लिया हुआ है, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर का कोई उपकरण है जो है 500 वाट का, उसको हम जानना चाहते हैं कि 500 वाट का हमारा उपकरण है यदि हम इसको 1 घंटा चलाते हैं तो ये कितना रीडिंग काउंट करेगा मीटर में। तो फॉर्मूला जैसा कि हमने यहाँ आप लोगों को बता दिया है यूनिट निकालने का, उसी पे सेट करेंगे वाट, वाट के जगह पे वाट कर देंगे 500 वाट। कितना घंटा, समय क्या है, तो 1 घंटा बटे 1000 जो है 1000 कर देंगे, करके इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 दूना 10 1/2। अब यहाँ हमारा जो यूनिट आ जाएगा 0.5 यूनिट। ये जो हमारा 500 वाट का उपकरण है 1 घंटा अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो ये हमारा हाफ यूनिट काउंट करेगा, 0.5 हाफ यूनिट काउंट करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि यदि 1000 वाट का हमारा कोई उपकरण है और 10 घंटा हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये कितना रीडिंग मीटर में काउंट करेगा। 1000 वाट का हीटर भी समझ सकते हैं कि अगर 10 घंटा दिन भर में चलाते हैं तो पर डे कितना यूनिट काउंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 वाट के जगह पे यही फॉर्मूला पे हम लोग बैठाएंगे, 1000 के जगह पे 1000 वाट लिख देंगे, गुने समय हमारा 10 घंटा बटे 1000। इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 1000 से 1000 कट गया, अब हमारा आ गया यूनिट, 10 यूनिट जो है हमारा दिन भर में काउंट करेगा। 1000 वाट का इक्विपमेंट 10 घंटा इस्तेमाल करेंगे तो दिन भर में 10 यूनिट काउंट करेगा। अब एक सवाल हमारा है, थोड़ा सा एडवांस है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा कि 1500 वाट का कोई उपकरण दिन भर में यदि हम लोग 4 घंटा इस्तेमाल करते हैं तो 30 दिन में कितना यूनिट मीटर में चार्ज करेगा, इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दिन का यूनिट निकालेंगे कि एक दिन में कितना कंजप्शन है, उसके बाद 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 दिन का हमारा आ जाएगा। तो एक दिन का निकालने के लिए वही फॉर्मूला, 1000 × 4 घंटा बटे 1000, 1000 से 1000 कट गया, तो सॉरी यहाँ 1500 वाट, तो 1500 वाट हमारा है तो 1500 वाट यहाँ नीचे में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 × 15 5 × 2 = 10 2 × 2 = 4 यानी यहाँ पे आ गया आपका 6 यूनिट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक दिन का हमारा 6 यूनिट, तो 30 दिन का कितना, 30 × 6 यानी 36 × 18 180 यूनिट। तो दोस्तों एक दिन का, 15 दिन का 20 दिन का इसी तरह आप निकाल सकते हैं। एक दिन का निकाल लिए, अब मान लीजिए कि एक दिन का यूनिट यहाँ 10 यूनिट है, अभी महीना दिन का निकालना है तो 10 × 30 कर दीजिएगा, 30 दिन में कितना यूनिट आएगा,
300 यूनिट आएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूनिट को अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।